कोरियोग्राफर एमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेल डिसूजा के खिलाफ महाराष्ट्र में एक डांस ग्रुप से 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने शनिवार को पुलिस के हवाले से बताया कि ठाणे जिले में 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। FIR रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता और उनके ग्रुप को साल 2018 और जुलाई 2024 के बीच कथित रूप से धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि ग्रुप ने एक टेलीविजन शो में प्रदर्शन किया और जीत हासिल की और आरोपियों ने कथित तौर पर ऐसा दिखावा किया कि जैसे कि ग्रुप उनका ही है और 12 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का दावा किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मामला 26 वर्षीय डांसर की शिकायत पर दर्ज किया गया है। 16 अक्टूबर को रेमो रिजेल और 5 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 465 और 420 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।